गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हमने ग्रेटर देन की प्रैक्टिस कर ली है और आज का हमारा टॉपिक है लेस देन। बच्चों, लेस देन को हम हिंदी में से कम बोलते हैं। और बेटा, ये देखिए, ये जो साइन है ये किसका साइन है? ये लेस देन का साइन है। बच्चों, लेस देन में हमें स्मॉलर नंबर देखना है और स्मॉलर नंबर की साइड हमें इस साइन का जो क्लोज माउथ है, जो ये पॉइंटर है, ये हमारा स्मॉलर नंबर की साइड होगा। जैसे बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 और 3 नंबर लिखा है, तो बेटा पहले आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर नंबर है। तो बच्चों, 2 और 3 नंबर में से कौन सा नंबर स्मॉलर नंबर है? 2 नंबर। तो अभी हमें लेस देन का साइन लगाना है। तो बच्चों, अभी हमारा जो ये साइन है उसमें जो क्लोज माउथ है, जो बंद वाला मुंह है, जो ये पॉइंटर है, ये स्मॉलर नंबर की साइड होगा ऐसे। तो बच्चों देखो, इसमें 2 नंबर की साइड इसका पॉइंटर है और 3 नंबर की साइड इसका ओपन माउथ है, खुला हुआ मुंह है। बट जब हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 2 इज लेस देन 3 नंबर। 2 नंबर छोटा है 3 नंबर से, 2 नंबर कम है 3 नंबर से। या फिर बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे 2 नंबर के सामने ये 1 पॉइंटर है और 3 नंबर के सामने 2 पॉइंटर हैं, है ना? तो बच्चों, 1 पॉइंटर कम होता है ना 2 पॉइंटर से, 1 कम होता है ना 2 से। तो बच्चों, ऐसे ही जब आप इसको बोलोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस साइड 1 पॉइंटर है तो ये लेस है, ये छोटा है। मैंने आपको ग्रेटर देन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हमने लेस देन नहीं किए थे आप कंफ्यूज हो जाते। तो बच्चों, बोलते समय आपको ये ध्यान रखना है कि 1 पॉइंटर पहले है तो लेस है, 2 पॉइंटर पहले है तो ग्रेटर है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और एग्जांपल देखिए। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर 3 और 8 नंबर लिखा है, तो बेटा इनमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? 3 या 8? 3 नंबर। 3 नंबर इज स्मॉलर नंबर। तो बच्चों, साइन कैसे लगेगा? 3 नंबर की साइड हमारा पॉइंटर होगा और 8 नंबर की साइड ओपन माउथ होगा ऐसे। तो बच्चों, 3 इज लेस देन 8 नंबर, ओके? तो बच्चों, ऐसे ही ये आपकी बुक की वर्कशीट है जो अभी आपको मेरी साइड में दिखाई दे रही होगी। इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में कॉलीफ्लावर्स हैं और राइट साइड में ये डब्बे हैं, किसी चीज़ के डब्बे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इन्हें काउंट करना है। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। 1, 2, 2 कॉलीफ्लावर्स। और बच्चों, ये डब्बे कितने हैं? 1, 2, 3, 3 डब्बे। तो बेटा, अभी 2 और 3 में कौन सा स्मॉलर नंबर है? 2 नंबर। तो बच्चों, हम साइन कैसे लगाएंगे? हमारा जो ये पॉइंटर है, ये बंद मुंह है, ये 2 नंबर की साइड ऐसे ऐसे रहेगा। तो बच्चों, इसको कैसे बोलेंगे? 2 इज लेस देन 3 नंबर। 2 कम है 3 नंबर से, ओके? नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये कैट है और ये क्या है? ये रैट्स हैं। तो बेटा, पहले आपको इन्हें काउंट करना है। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। 1, ये कैट कितनी है? 1 कैट। और बच्चों, ये रैट्स कितने हैं? काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 5 रेड्स। तो बच्चों, 1 कम है या 5? 1 इज लेस देन 5 नंबर। 1 छोटा है 5 नंबर से, ठीक है? तो बेटा, बाकी सबकी भी आपको सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है, ओके? तो बच्चों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय किड्स।